नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा और मैं आपके सामने फिर लेकर आई हूँ आपके दिन का हाल, आपकी राशियों का हाल। साथ ही में जानेंगे आज कौन से उपाय करने से आपका दिन बनेगा बेहतर। चलिए शुरुआत करते हैं पहली राशि के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। कार्ड निकलता है द वर्ल्ड। आज के दिन में हो सकता है आपके अधूरे काम पूरे होंगे, साथ ही में आपके रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट के योग भी बन रहे हैं। उपाय क्या करना है? आज हनुमान जी को चोला चढ़ाने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा है दिन। कार्ड निकलता है किंग ऑफ कप्स। दूसरों की देखा देखी नहीं करनी है, साथ ही में दूसरों के प्रेशर में आके भी कोई काम नहीं करना है। आपके जो प्रेम संबंध है यानी कि लव अफेयर्स है, उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही है। उपाय क्या करना है? आज ब्लैक कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, इसके लिए क्या कहते हैं कार्ड। कार्ड निकलता है द चैरियट। आज आपके विरोधी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे या फिर आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच करके चलें। साथ ही में आज जो सीनियर्स हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव रहेंगे। उपाय क्या करेंगे? आज लाल रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ रहेगा। जान लेते हैं कैंसरियंस के लिए क्या कहते हैं कार्ड। निकलता है आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट अगर अपने आप को कर रहे हैं तो ऐसा करने से आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो उभर कर नहीं आ पाएंगी। साथ ही में आज शाम का जो समय रहेगा काफ़ी शुभ रहेगा यात्रा के लिए, काफ़ी लाभदायक रहेगी यात्रा आपके लिए। उपाय क्या करना है? आज हनुमान जी को चोला चढ़ाने से आपकी काफ़ी सारी समस्याएँ खत्म होंगी। आगे बढ़ते हैं, जानते लिए उसके लिए कैसा है दिन। कार्ड निकलता है द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून आपसे ये कह रहा है आज डिलेज को नहीं करना है, आज का काम कल पे बिल्कुल भी मत छोड़िए। साथ ही में अपने माता पिता का सहयोग ज़रूर लें, उनका किसी भी डिसीजन में, किसी भी फैसले में आप सहयोग ज़रूर लें। साथ ही में खान पीन में आज लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतेंगे। उपाय क्या करेंगे? शाम के समय यात्रा नहीं करनी है आपको। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए सिक्स ऑफ कप्स। आपने जिन लोगों को पहले हेल्प किया है आज वो लोग आपसे उम्मीद के लिए एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखेंगे। साथ ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आज बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स भी बन रहे हैं। प्रॉपर्टी में लेन देन करने से आपको बचना है। उपाय क्या करेंगे? आज किसी भी मंदिर में जाकर के आपको मसूर की दाल जो है वो दान करनी है। जान लेते हैं लिब्रंस के लिए कैसा है दिन। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स। से कार्ड ये कह रहा है आज बिना सोचे समझे किसी भी रिश्ते की नई शुरुआत ना करें, साथ ही में कोई फैसला, बड़ा फैसला भी आपको नहीं करना है। जॉब में चेंजेस जो लोग चाह रहे हैं उन लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, आप इंटरव्यूज के लिए ट्राई कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? आज सुबह उठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियंस की। कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड ये कहता है आज आपके घर की जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, वो आपको सहयोग देंगी। साथ ही में आज के दिन में आपकी जो मैरिज लाइफ है वो भी अच्छी चलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। अभी तक जो लड़ाई झगड़ा या जो एक तरह से खटपट चल रही थी वो खत्म हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? आज शाम के समय आपको भगवान राम की स्तुति करनी है, ऐसा करने से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। कार्ड निकलता है द हैंग मैन। आपकी हो सकता है मानसिक स्थिति जो है कहीं ना कहीं पे आपका साथ नहीं दे, यानी कि आज के दिन में आप तनावग्रस्त रहेंगे। साथ ही में आपका पैसे से जुड़ी हुई दिक्कतें भी आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय क्या करेंगे? आज के दिन में हनुमान जी को चोला चढ़ाना काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा है दिन। कार्ड निकलता है नाइन ऑफ पेंटाकल्स। आज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, साथ ही में थोड़ा सा खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कोशिश करें आप खर्चों पर नियंत्रण रखें। साथ ही में आज दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगा, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। उपाय क्या करेंगे? आज के दिन में सुबह उठ करके आपको सूर्य को जल देना है, साथ ही में आपको तांबे से जुड़ा हुआ कोई पात्र किसी मंदिर में दान करना है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कार्ड निकलता है द स्टार। सैटिस्फैक्शन मिल रहा है हर जगह से, साथ ही में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप एक स्थिरता यानी कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। आज रिश्तों को लेकर के तनाव बढ़ सकता है। उपाय क्या करना है? आज के दिन में आपका जो शाम का समय है उसमें किसी पार्टी या फंक्शन या किसी गेट टुगेदर में शामिल होने से बचें। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। कार्ड निकलता है एस ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड ये कह रहा है आज कन्फ्यूजन या क्लटर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, कोशिश करें किसी से भी मिसअंडरस्टैंडिंग में ना पड़ें। अगर किसी से ऐसी कोई बात होती भी है उसको तुरंत ही सुलझाने का प्रयास करें। उपाय क्या करेंगे? आज ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े पहनना काफ़ी अच्छा रहेगा, साथ ही में मेडिटेशन आज जरूर करें मीन राशि वाले लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे इन उपायों से आपका दिन भी बनेगा बेहतर, और कल आपसे फिर होगी मुलाकात। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग देखते रहिए एस्ट्रो तक।